टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बाद पूरी तरह से पलट कर रह जाएगी वनराज, काव्या और अनुपमा की कहानी। एक तरफ तो काव्या अनुपमा के घर में घुसकर उसके ही पति पर बड़ी ही चालाकी से अपना हक जमाती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ भोली अनुपमा काव्या की ये सारी चालबाजी समझ नहीं पा रही। लेकिन कहीं ना कहीं वनराज को काव्या के इन सारे इरादों के पीछे का मकसद बखूबी पता है और वो भी उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। लेकिन अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि वनराज और अनुपमा की शादी के दिन होगा एक बड़ा धमाका, क्योंकि उस ही दिन खुलने वाली है वनराज काव्या के घिनौने रिश्ते की पूरी सच्चाई अनुपमा के सामने। जी हाँ, होगा कुछ यूं कि दुल्हन बनी अनुपमा काव्या की जगह अपने ही हस्बैंड के पास अपने सबसे सुनहरे दिन पर जा रही होगी रूम के अंदर। जैसे ही अनुपमा दरवाज़ा खोलती है अपने कमरे का, वहाँ उसके सामने आएगा उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सच। वो देखेगी अपनी आंखों के सामने कि उसका देवता समान पति उसी की बेस्ट फ्रेंड कहलाने वाली लड़की काव्या के साथ गले मिलकर रोमेंस कर रहा है। यहाँ पर खुलेगा कड़वा सच अनुपमा के सामने कि वनराज काव्या को अपने सीने से लगाकर उसे आई लव यू सो मच कहता नजर आएगा। यहाँ तक इन दोनों का रोमेंस यही नहीं थमेगा। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अपनी शादी के बाद सुहागरात मनाते भी रंगरलियां मनाते हुए अनुपमा देख लेगी काव्या और वनराज को, जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले तो वनराज काव्या को किस करने की कोशिश करेगा, फिर उसके रोमांस में डूबा वनराज उसके साथ बेड पर लेटकर रोमांस भी करता नजर आएगा और ये सब अनुपमा अपनी आंखों से देखने वाली है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब एक तरफ इन दोनों के घिनौने रिश्ते का सच, इन दोनों के नाजायज रिश्ते का सच अनुपमा के सामने आ गया है, तो क्या हर बार की तरह इस बार भी मौन रह जाएगी अनुपमा एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ का फर्ज निभाने के लिए, या फिर अपने हक की लड़ाई के लिए वो अपने घर से घसीट कर काव्या को बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये सब कुछ देखना होगा आने वाले शो में, बेहद इंटरेस्टिंग।